नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसको लेकर आप लोग बहुत ही ज्यादा वरी रहते हो, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में हमें देखने को मिल रही है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट What are the symptoms of vitamin D deficiency? Vitamin D की deficiency इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? What are the conditions vitamin D deficiency aggravate in your body? And what are the natural food tips or natural things you have to do to recover the vitamin D deficiency naturally in your body? So let's start today's video. विटामिन डी हम सभी जानते हैं नेचुरली हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है? व्हाट आर द सिम्टम्स बेसिकली योर बॉडी शोज टू यू, व्हाट आर द साइंस योर बॉडी शोइंग टू यू दैट यू आर अ विटामिन डी डेफिशिएंट पर्सन? नंबर वन, यू आर फेसिंग वेरी वीकनेस, लेथार्जिक, फटीग और टायर्डनेस। आप बहुत ही ज़्यादा थके रहते हैं, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं होता है। नंबर टू, यू आर फ्रीक्वेंटली हैविंग मूड स्विंग्स। अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं देन डेफिनेटली योर बॉडी इज हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। नंबर थ्री, इफ यू आर हैविंग मोर मसल क्रैम्प्स, मोर मसल वीकनेसेस, इट मीन्स अगेन योर बॉडी इज हैविंग लो लेवल ऑफ विटामिन डी। नंबर फोर, इफ यू आर हैविंग वीकनेसेस इन योर जॉइंट्स, आइदर योर बैक पेन, योर शोल्डर पेन, योर नी पेन, इवन यू आर हैविंग द पेन अराउंड योर फीट, सो ऑल दीज साइंस आर शोइंग टू यू दैट यू आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। लेकिन आपको ये सारी की सारी चीज़ें मालूम कैसे चलेंगी? इफ यू फील इट often, not regularly, it means your body is going to start deficiency of vitamin D. लेकिन जब आपको ये चीज़ें हर दूसरे तीसरे दिन होने लगती हैं तो definitely आपकी body में उस time vitamin D का normal level से रेंज जो होती है वो कम हो जाती है। एंड लास्ट, इफ़ यू आर हैविंग सम टाइम द चेस्ट पेन एंड यू आर हैविंग द मोर इन्फेक्शंस बिकॉज आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, इफ़ यू आर फेसिंग फीवर्स फॉर एवरी 3 to 4 months और हैविंग कोल्ड नॉर्मल इन्फेक्शंस वायरल फीवर्स हैविंग एवरी 3 to 4 months, सो इट मीन्स यूर बॉडी इज अगेन हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। Now, what are the factors which causes vitamin D deficiency in an individual? Number one and top of the list is use of high range sun protecting factors. अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइंड में लेकर चलूँ तो आप सभी को मालूम होगा उस टाइम पर विटामिन डी डेफिशिएंसी लोगों में हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, बट नाउ अ डेज विटामिन डी डेफिशिएंसी हमें ट्रमेंडसली लोगों में देखने को मिलती है बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग द मोर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मोर सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स ऑन आर स्किन। विटामिन डी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में यूजुअली होती कैसी है? जब यूवीबी रेज, जब सूरज निकलता है उस टाइम पर दो तरह की रेज होती हैं, दैट इज द यूवीए रेज एंड यूवी बी रेज, दैट इज द अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी रेज। यू वी बी रेज मेक्स विटामिन डी इन योर बॉडी। जब यू वी बी रेज आपकी स्किन के साथ इंटैक्ट करती हैं, एट दैट टाइम द 7-dehydrocortisone बेसिकली एक तरह का स्टीरॉयड होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट होता है D2, D3 में, और जिससे विटामिन डी आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाता है और नॉर्मली उसे लीवर स्टोर कर लेती है बिकॉज इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट्स की आपकी बॉडी को भी ज़रूरत होती है, तो जो काफ़ी अगले दिनों तक, काफ़ी अगले महीनों तक आपकी बॉडी में यूटिलाइज भी होता रहता है। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है विटामिन डी को आपकी बॉडी में फॉर्म होने के लिए, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग द मोर कॉस्मेटिक्स, मोर सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ हायर रेंज, दैट इज 50+, 40+, तो वो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और जब वो आपके स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करते हैं द यू वी बी रेज विच इज़ ओनली द 5% ऑफ यू वी बी रेज, 95% इज़ यू वी ए रेज विच इज़ नॉट गुड फॉर आर स्किन, एंड दैट रेज डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन, और जिसकी वजह से विटामिन डी, दैट इज़ द प्रो हार्मोन जो होता है D2, वही हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाता है, और जब वो फॉर्म नहीं हो पाता है D3 नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में उसकी सर्कुलेशन एंड उसकी जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है और उसकी जो स्टोरेज है वो सारी की सारी लो हो जाती है। सो दिस इज़ द नंबर वन मेजर कॉज
of low level of vitamin D, and second is nowadays in pandemic is that is work from home. Nowadays हमारी ये लाइफ का एक पार्ट बन गया है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो वी आर स्पेंडिंग मोर द टाइम इंडोर्स, सन से हम दूर रहते हैं, हमारी बाहर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, हम आउटडोर्स में एंगेज नहीं है, जिसकी वजह से अगेन विटामिन डी विच इज़ द सनशाइन विटामिन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, अगेन बॉडी फॉर्म नहीं करती. यार इतना सिंपल सा इतना अच्छा हार्मोन है, सिर्फ हमें बाहर जाना होता है, कुछ टाइम स्पेंड करना होता है 15 to 20 minutes, और विटामिन डी की आप कहें आपकी बॉडी में एक फैक्ट्री सी खुद ही लग जाती है, हमें उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड थर्ड इज लेस यूज़ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स nowadays, क्योंकि विटामिन डी फूड आइटम्स में नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए स्पेशली इन द वीगनिज्म कम्युनिटी, इन द वेजिटेरियंस, विटामिन डी के हमें लो लेवल्स देखने को मिलती हैं. अगर हम फूड्स की बात करें तो ओनली द डेयरी प्रोडक्ट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी, एंड द फिश प्रोडक्ट इज हैविंग द सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी, एंड ओनली द एग योक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन डी. इसके सिवा और किसी भी फूड में विटामिन डी के लेवल्स अच्छे नहीं होते. अगर लिटिल बिट विटामिन डी उनमें प्रेजेंट होता भी है, लाइक समवन इज टॉकिंग अबाउट द ओकरा इज हैविंग विटामिन डी एंड द मशरूम, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, बट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट ओरिजिन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी इज वेरी वेरी लो. दैट्स वाई जितना आप डेयरी प्रोडक्ट्स को, इवन द मिल्क को, दही को कम कंज्यूम करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में उतनी ही ज़्यादा हो जाती है. एंड फोर्थ इज इफ़ यू आर हैविंग इनडाइजेशन, अगर आपको इनडाइजेशन रहती है, एज वी डिस्कस्ड इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, सो ये आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, प्रॉपरली एसिमिलेट होता है, उसके बाद लीवर में जाकर स्टोर होता है इन द फॉर्म्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स की हेल्प से. सो इसीलिए अगर आपको इनडाइजेशन है तो विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर हो जाएगा तो बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी. अगेन आपके ब्लड स्ट्रीम में फिर से विटामिन डी की हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. एंड फिफ्थ इज पैराथायरॉयड हार्मोन. अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ पर आ गया, जहाँ पर हमारे थायरॉयड ग्लैंड होता है उसी के पास पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस इनकी एब्जॉर्प्शन को होने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. सो बेसिकली जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन को, पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये चीज़ जब मालूम चलती है, सो व्हाट इट डू एट दैट टाइम, वो आपकी बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड स्ट्रीम में अदर फंक्शंस को नॉर्मल करने के लिए कैल्शियम दे देता है. वो आपकी बोन से कैल्शियम को निकालता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में डालता है, ताकि ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम चैनल्स, जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मल ही रहें. तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में, इवन द बोन्स में, इवन द जॉइंट्स में, इवन द कनेक्टिव टिश्यू में, इवन द मसल्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपको क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेसेस होती हैं, आपको पेन देखने को मिलता है, एंड ओल्डर्स में हमें सॉफ्ट बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज लो लेवल ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी. Now the role of vitamin D in our body, it keeps the bone healthy, it helps in calcium and phosphorus absorption in our body, and it make a good pace of muscle control in our body, especially the heart muscle, jiske upar ye bahut hi badhiya role play karta hai, and reduce the risk of heart attack and atherosclerosis and blood pressure, and it also कीप द नॉर्मल सेल साइकिल एक्टिविटी. जो सेल्स का हमारा एक साइकिल होता है, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो उन सभी को भी नॉर्मलाइज रेगुलराइज विटामिन डी ही रखता है, उनको बड़ा नहीं होने देता है, उनको श्रिंक नहीं होने देता है, ये सारे के सारे काम विटामिन डी ही करता है. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर immunity also, that's why it plays a major role in our body. आप कह सकते हैं ये एक ऐसा defense mechanism create करता है हमारी body में, जिससे हमारी body के बहुत सारे functions normal हो जाते हैं. Now what are the condition
aggravate. If a person is having vitamin D deficiency, the person is having more chances of stroke, more chances of heart attack, more chances of cardiovascular diseases, more chances of ischemic heart diseases, more chances of irritable bowel syndrome, IBS, Crohn's disease, colon cancer, breast cancer, multiple myeloma, there are lots of things. In सभी के chances उन persons में increase हो जाते हैं जिनकी body में vitamin D की हमें deficiency देखने को मिलती है. And आजकल जिन लोगों में vitamin D की deficiency देखने को मिलती है, there is no direct relation, direct link between the vitamin D deficiency and the type 2 diabetes. But आजकल बहुत सारे cases में type 2 diabetes के cases भी increase हो रहे हैं 20 plus, 30 plus में बहुत ज़्यादा देखने को. So these are the condition which aggravate by the deficiency of vitamin D. Now अब ये तो हो गई everything about vitamin D, उनके causes, signs, symptoms, even the role. अब बात करते हैं how do we protect our body from vitamin D deficiency. There are three things you have to do. Number one and top of the list is आपको हफ्ते में 3 बार सनशाइन विटामिन को अपने ऊपर डेली लेना ही है. मींस आपको हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकालने हैं जिस दिन आपको कोई आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. आइदर यू आर वॉकिंग, आइदर यू आर आप योगा कर रहे हैं, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल बैठ के गपशप ही क्यों ना कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं. लेकिन अब इसमें भी स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ को दिक्कत होती है, आजकल बॉयज़ को भी होती है कि स्किन टैंड हो जाती है. सो यू हैव टू स्पेंड आउटडोर टाइम्स अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 8 to 9 AM और बिफोर 10 AM और आफ्टर 4 PM. दीज आर द बेस्ट टाइम्स व्हेन यू वी बी रेज हाई इन द स्काई, जिसकी वजह से जब वो आपके कॉन्टैक्ट में आएंगी तो नॉर्मली आपकी बॉडी विटामिन डी को बनाना स्टार्ट करेगी और आपको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपकी बॉडी में 1 महीने के बाद खुद से ही एक फैक्ट्री रेडी हो जाएगी. बट रिमेंबर अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यूवीबी रेज आर हाई बिफोर 10 AM और बिफोर 9 AM एंड आफ्टर 4 PM. दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू गेट सन shine vitamin in your body. And number 2 is you have to add dairy products in your diet. अगर आप daily milk को consume करते हैं, there are very minimal chances that your body is having vitamin D deficiency. If you are lactose intolerance and if you are allergic to the milk substances, then definite आपको जो fortified cereals होते हैं आपको वो लेने चाहिए, because आपके पास तब वही source बचता है. अदरवाइज किसी भी फूड आइटम्स में नहीं होते हैं विटामिन डी, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है. सो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना ही है ऑन डेली बेसिस, तभी आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी. और आपको मालूम है जब एक बार आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छी तरह से स्टोर हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये स्टोर होता है. अगर आप इसे अच्छी फॉर्म में स्टोर कर ले तो आप अगले 2-3 साल तक इजीली चला सकते हैं. और आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बाहर जाने की ज़रूरत है, डेली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती. 7 दिनों में से 3 दिन निकालने हैं और आपको डेली डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी आइटम्स के साथ स्टिक रहना है, उन्हें कंज्यूम करना है, स्पेशली मिल्क, तभी आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी. एंड थर्ड इज द न्यूट्रिशनल supplements, but you have to take the nutritional supplements under the guidance, because जो इसकी RDA limit होती है, that is 200 to 400 IU according to the ICMR for the Indian. So अगर आप vitamin D के supplements लेना चाहते हैं, then definitely आपको किसी physician के under ही उसे लेना है. But remember, वो आपकी body में सिर्फ temporary ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करते हैं. जब तक आप अपने बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंजेस को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी. और जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भी विटामिन डी लेने की आदत बहुत लंबे टाइम से पड़ जाती है, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में ज़ीरो हो जाती है एंड यू आर मोर प्रोन टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट supplement. So these are the things which you definitely have to do to control the vitamin D deficiency in your body.
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी. La la la.